कानपुर का बिकरू गांव, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे, 8 पुलिसकर्मियों की शहादत। दरअसल ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की ज्यादातर खबरें घूम रही हैं। शुक्रवार को हुई इस घटना के बाद से प्रशासन अलग ही अंदाज में है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की इमारतों की हर ईंट उखाड़ ली गई, गाड़ियों को तहस नहस कर दिया गया, सब कुछ हो रहा है। लेकिन सवाल है, विकास दुबे कहां है? शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों के साथ न्याय जरूर होना चाहिए। विकास दुबे के खिलाफ तमाम सबूतों के आधार पर हर बात का हिसाब जरूर होना चाहिए, पर घर गिराया जाना, गाड़ियों को तबाह किया जाना, क्या जायज है? दरअसल यह सवाल हम नहीं बल्कि लोग उठा रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट और आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने इस मामले में जो कुछ कहा है, सुनिए। नूतन जी, सबसे बड़ी बात यही है कि जैसा विकास दुबे केस में अभी तक आपने देखा ना कि जो जो चीजें हुई हैं, आज घर तोड़ दिया गया, तो क्या यह कार्यवाही सही है? इसे देखिए, जो भी घटना घटी उस पे आक्रोश भी स्वाभाविक है और वो काफी ब्रूटल था, काफी पुलिस वाले मारे गए, जो सिचुएशन थी वो। लेकिन हमारे यहाँ लॉ ऑफ लैंड आज भी ये परमिट नहीं करता है कि आप बिना किसी प्रोसेस को अडॉप्ट किए हुए किसी के घर को ढहा दे, भले ही वो अपराधी हो। लॉ परमिट करता है, अगर अपराध से कमाई हुई पैसे से अगर वो घर या जो भी जगह है वो परचेज किया गया है, अर्न किया गया है, तो उसको सीज करने का प्रोसेस है। उसके तहत वो डीएम को राइट है, वो सीज कर सकते हैं, एक प्रक्रिया है, उसके तहत घर सीज हो सकता है। वैसे भी वो क्राइम प्रॉपर्टी है, वहां पे क्राइम कमिट हुआ तो भी सीज कर सकते थे उस घर को। लेकिन पूरा घर तोड़ना, ये हमारे यहाँ जितनी मेरी जानकारी है लॉ परमिट नहीं करता है और ये गलत है। ओके, मतलब ये जो कदम उठाया गया है पुलिस की ओर से कि घर तोड़ दिया गया और उसके अलावा गाड़ियां तोड़ी गई, तो ये गलत है आपके मुताबिक? लॉ परमिट नहीं करता तो डेफिनेटली, चूंकि इमोशन अपनी जगह है, सेंटिमेंट अपनी जगह है, जो पुलिस वाले मारे गए, हर लोग के मन में उनको लेके एक मैं कहूंगी कि श्रद्धांजलि की भी फीलिंग है और सिंपैथी भी है, और जो किया उसको लेके आक्रोश भी है जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ लॉ आज भी है कि अपराधी को आप पुलिस को पकड़ के कोर्ट को हैंडओवर करना है। पकड़ने के दौरान अगर कोई घटना होती है और वहाँ फायरिंग में अगर कोई ऐसी घटना हो जाती वो अलग है, लेकिन आज भी जबरदस्ती पकड़ के मारना या घर गिराना, जब तक कि कोई ड्यू प्रोसेस नहीं अडॉप्ट हुआ हो तब तक लॉ परमिट नहीं करता है। तो वो पुलिस ने का जो वर्क है वो एक्स्ट्रा वर्क है और किया हुआ बियॉन्ड विद इन लॉ के परमिट के बियॉन्ड है। तो ये कहीं से भी अगर इस तरीके से होने लगे तो जो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है वो तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाएगा। अब पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप का इस मामले में क्या कहना है, वह भी सुना जाना चाहिए। ये तो इलीगल है ना, ठीक का मतलब हुआ इलीगल है। प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हो आप, उसकी नीलामी कर सकते हो, ये नियम है जी। लेकिन प्रॉपर्टी को ध्वस्त करके जिस प्रॉपर्टी का, पहले ये तो देखो किसके नाम है जी भाई। अगर इलीगल है, ग्रासवा की जमीन पे है, तो जिलाधिकारी को अनुमति है, वो पावर है, लेकिन नोटिस देना पड़ेगा। लीगल प्रक्रिया है उसकी, इविक्शन का नोटिस होगा जी। प्रॉपर्टी का एक्वायर करेगा जिलाधिकारी, लेकिन बुलडोजर लेके चला दिया। ये तो खाली दिखाना चाहते हैं ना अपने आकाओं को, पुलिस वाले लोग, हम कुछ कर रहे हैं, तो उसको तो पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब इन्होंने दो लोगों को मार दिया, अब सही है गलत है वो तो हमें पता नहीं जी। हम तो सही मान रहे हैं, लेकिन ये तो पता चले कि जो मारे गए हैं उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या, रिकॉर्ड जारी किया क्या उन्होंने जी। अब उन्होंने लिखा एक राइफल मिली, एक सरकारी पिस्टल मिली। सरकारी पिस्टल तो पुलिस लाइन में हजार पड़ी हुई है खराब जी, जो कंडम हो जाती है, एक उठा कर लगा दीजिए किसी के साथ आप जी, समझ रहे हो। राइफल कहीं से लगा दीजिए, आजकल कौन सी 50,000 की राइफल मिलती है जी, इसकी लाइसेंस है क्या नहीं पता। देखो हमारा मतलब ये है कि अब पुलिस जाएगी ओवरबोर्ड जी, कुछ भी कर देगी यार, दिखाने के लिए हम कुछ कारगुजारी कर रहे हैं। अभी 30 घंटे हो गए, उसको तो पकड़ नहीं पा रहे हो आप जी। वो उसको ना पकड़ के, वो पकड़ा भी नहीं जाएगा, वो तो कोर्ट में हाजिर होगा। 3.5 साल से नहीं पकड़ेगा तो अब क्या पकड़ेंगे उसको जी। अब आज जो 3.5 साल से इस सरकार ने बता रखा है
भाई 886 पूरे हस्ती सीकर हैं जिनका एनकाउंटर की लिस्ट बनाई गई थी जी, 886 में 96 मारे गए हैं जी, बाकी 450 एनकाउंटर में छुड़वाइये मारे गए हैं जी। तो ये 60 जिसके ऊपर अपराध है, 60 उसका केस है और वो आजीवन कारावास का कन्विक्ट है, वो पैरोल पे है, वो उसको जेल में 15 साल होना चाहिए था। ये पैरोल किसने दिया? किसी भी सरकार ने दिया हो, इसने दिया हो, मायावती ने दिया हो, मुलायम सिंह ने, अखिलेश यादव ने दिया हो, कल्याण सिंह ने दिया हो, लेकिन वर्तमान सरकार तो कैंसिल करा सकती थी उसका 3.5 साल में पैरोल, अंदर कर देती उसको जी। उसकी जमानत हुई है, जमानत का विरोध कौन करेगा जब आपको गवाह ही नहीं मिल रहा है कोई? तो जब गवाह कोई नहीं, जमानत को हो जाएगी उसकी? पुलिस तो गवाह नहीं प्रस्तुत कर पा रही, केस तो पुलिस ही दर्ज कर रही थी जी, इन्वेस्टिगेशन में गवाह नहीं कर पा रहे, तो उसको तो पूरा संरक्षण है ना। मैं तो लिख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, आप तो पढ़ रहे होगे मेरे जी जी जी। जिस मंत्री ने बचाया उसे घर में ना छुपा हो गई ये जी, अगर हिम्मत है सरकार उस मंत्री को डिसमिस करेंगे जी, नहीं करेंगे डिसमिस ये। और ये योगी जी की छवि खराब हो रही है ना भाई, गृह मंत्री कौन है? योगी जी है ना जी। अब प्रशासन सब इकबाल से चलता है, इकबाल कैसे कायम होगा जी? इस सरकार का इकबाल, जो सरकार आई थी 15-20 जो दिन जो इकबाल रहा था, देखा था कैसे अपराधी भाग गए थे प्रदेश छोड़ के, उसके बाद सब खत्म हो गया जी। भाई जहाँ सरकार ये करती है ना, मेरा वाला है तो अपराधी नहीं, उसके साथ माफ, अगर हमारी पार्टी का नहीं है तो पकड़ो जी। भाई अपराधी का कोई पार्टी नहीं होती, अपराधी झंडा बदलता है। अब सत्ता में सपा होगी उसका हो गया, बसपा होगी उसका हो गया, बीजेपी उसका हो गया जी। तो वो तो सत्ता के साथ चलता है ना, अपराधी को संरक्षण चाहिए उसको जी। तो ये सबको पता, आपको ये पता है, मैं तो खाली दोहरा रहा हूँ चीजों को।